दोस्तों टोटल लॉस क्या होता है? टोटल लॉस वो होता है जहां पर कि इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी को सही करवाने का पैसा देने के बजाय आपको गाड़ी की पूरी जो आपकी कीमत बैठती है वो दे देती है कैलकुलेशन के बेसिस पे। इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे, ये गाड़ी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी इसको सही करवाने का पैसा देगी तो मान लो उसमें लग गए 4.5-5 लाख रुपए, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है कि भाई आप मुझसे 3.5-4 लाख रुपए ले लो। वो एक कैलकुलेशन की जाती है कि भैया करंट वैल्यू गाड़ी की क्या है उसके बेसिस पे। तो कंपनी को उसमें फायदा ये होता है कि उनको बनवाने का खर्च जो है वो ज्यादा होता है, तो वो कस्टमर को ऑफर करती है कि पूरे पैसे इस गाड़ी के ले लो जो वैल्यू बैठती है। और कस्टमर को भी इसमें ये फायदा होता है कि उसको एक मुश्त सारे पैसे मिल जाते हैं, जबकि अगर इस गाड़ी को बनवाने जाएंगे तो ये उस तरीके से कभी उतनी परफेक्शन के साथ में नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका डैमेज इतना है कि बहुत जरूरत से ज्यादा इसका जो है वो डैमेज हो चुका है।